subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हटो मेरे रास्ते से। आमिर, तुमने मेरी सारी तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। वीर साहब, मैं माफी चाहता हूं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूं। एतमाद पर तो पूरे उस वक्त उतरते जब मुझसे बढ़कर मेहमानों की खिदमत करते, दिन रात काम करते। पता नहीं तुम किस मिजाज के हो। खुद भी ये समझ नहीं पाए हूं मीर साहब। तुम्हें पता है कि सत्तार भाई रात से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा? मगर क्यों? वो तुम्हें देखना चाहते थे, तुमसे बातचीत करना चाहते थे। मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी तारीफ कर दी थी उनसे। मैं माफी चाहता हूं मीर साहब, मुझे इतला नहीं थी। तुम्हारी ये बात अच्छी है कि तुम अपनी गलती मान लेते हो। अमान ऐसा नहीं था मीर साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूं। मीर साहब, आप क्यों दिन रात दूसरों के लिए इतना काम करते हैं? काम अगर आप अपने लिए करें तो ऐसी 10 हवेलियां और बना सकते हैं। और सत्तार भाई के अलावा और कोई नहीं है। अब हम सिर्फ उनके साथ काम करते हैं। सत्तार भाई क्यों मीर साहब? पहले शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन अब वो दोस्त के अलावा रिश्तेदार भी बन रहे हैं। उनका साथ नहीं छोड़ा जा सकता। रिश्तेदार? ये तुम्हें बताऊं, बैठो। नहीं मीर साहब, मैं भी चलता हूं। मानी कहाँ चला गया है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, नजर नहीं आ रहा। वो सब्जी लेने भेजा था, अब तक आया नहीं। तो बेटा जरा उसे देखाओ ना जाके बाहर। आ जाएगा। अब इस रोज रोज की डांट डपट से तो मैं तंग आ गई। जो भी कहती हूँ ढीठ बन के सुनता रहता है, टस से मस नहीं होता। सादा ना डांटा कर उसे, किसी दिन चला गया ना तो मेरी तरह इसी दहलीज पर नजरें जमाए बैठी रह जाए। आज बार बार आमिर की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, जैसे मुझसे कह रहा हूँ, माँ माँ तुम कहाँ हो? माँ मैं आ गया हूँ। माँ माँ कहाँ हो तुम? माँ किधर हो तुम? मैं आ गया हूँ। Thank you.
मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। हाँ, मगर वापस जाने के लिए आई हूँ, शायद ये आखिरी बार है। ऐसा मत कहो बिल्कुल, मैं तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। अब इस तरह अपनी नजरों से मुझे मत गिराओ। जो भी समझो, अब मुझे तुम्हारे जाने का कोई दुख नहीं होगा। तुमने साजैन का दिल तोड़कर मुझे भी गंवा दिया। तुम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, अगर तुम मीरल की जगह होती तो क्या करती? अपनी मोहब्बत को रात की तारीकी में कहीं रेत में दफन कराती, ताकि उसकी कोई यादगार भी नजरों के सामने ना आ सके। मीरल, तुम नहीं जानते दूसरों के लिए जीने में कितना सुकून है, कितनी लज्जत है। साजैन की शादी हो रही है सत्तार भाई से। तुमने जितने भी इल्जाम मुझ पर लगाए हैं वो सब ठीक नहीं है। साजैन, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाए, अपने एतबार टूटने का गिला किया है, इतना तो मेरा हक है। मैं अब तुम्हारा एतबार टूटने नहीं दूंगी। शायद इसकी अब जरूरत नहीं रही। इधर मेरी तरफ देखो, किस लिए? साजैन, ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत मुश्किल से चीज है। इसे अपने लिए गुजारना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, इसकी ख्वाहिश जरूर की जा सकती जिस तरह तुम कर रही हो। मैंने सोच लिया है, मैं अब कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। नहीं, तुम ख्वाहिश जरूर करोगी। ये ख्वाहिश ही है जिसे मरना नहीं चाहिए। हम औरतें इन ख्वाहिशों के सहारे ही तो जिंदा रहती हैं ऊंची ऊंची फसीलों के दरमियान। यही तो एक सहारा है हमारा। हाँ, सहारा तो कोई नहीं रहा अब। नाराज हो तुम अब तक मुझसे? मेरा तो मुकद्दर खराब है, आपका कोई कसूर नहीं। मीरल मुझे चाहता था, ये मेरा जुर्म है? तेरा जुर्म बता दिया, सजा नहीं सुनाई। सजा तो हम दोनों को एक ही मिलनी चाहिए। सजा मैं बताऊं? बताएं। मुस्कुराओ, मैं
मुस्कुरा नहीं सकते। मेरी खातिर मुस्कुराओ। मुझ पर मुस्कुराओ, खुद पर मुस्कुराओ, हालात पर मुस्कुराओ। बहुत वहशत सी हो रही है, बस आप बाहर नहीं जाएंगे, कह दिया मैंने आपको। क्यों? तुम्हें मालूम है कि मुझे औरतों की तरह घर बैठना अच्छा नहीं लगता। मीर के लोग कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाएं, वो बहुत जालिम लोग हैं भाई। जुल्म और जालिमों से डरना कमजोर लोगों का काम होता है। मैं कमजोर नहीं हूं, महबूब खान की हवेली को ताकतवर और मजबूत मैंने बनाया है। मैंने आज वो इसी ताकत से मुझे कुचलना चाहता है? नहीं, मैं उसकी ये चाल कामयाब होने नहीं दूंगा। हमें उनसे दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया, अब आप उनके कारोबार का हिस्सा नहीं रहे, सुना आपने? साबरा, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, मैं तो सिर्फ तेरी खातिर खामोश हो जाता हूँ और बस। भाई एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? कहो, कहो क्या बात है? कभी आपने सोचा है कि आपको क्या करना है? बस जिसने उंगली पकड़ने को कहा पकड़ ली और पीछे पीछे चल दिए, अपने लिए कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं। मैंने अपने लिए कुछ किया हो या ना किया हो, पगली तेरे लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। भैया आपने मुझे बुलाया? मीर साहब कहाँ हैं? मेहमान खाना। तुम्हें कुछ पता चला? साजैन की शादी हो रही है। किसके साथ? सत्तार भाई के साथ। नहीं, नहीं आप मजाक कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है, साजैन के इनकार के बावजूद मीर साहब ऐसा कर रहे हैं और हम में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा। देखिए साजैन अपनी जान दे देगी, मीर साहब को समझाना होगा। तुम मीर साहब की हद धर्मी से वाकिफ नहीं हो, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कुछ सोच कर मुझे बताओ। इस वक्त जाओ, मेरे साहब आ रहे होंगे। मैं साजन से बात करूं? नहीं, सत्तार भाई के आने से पहले पहले हमें किसी फैसले पर पहुंचना होगा। ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। तुम बस कुछ ऐसा कर लो कि ये शादी बस थोड़े दिनों के लिए रुक जाए।
साजन, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूं। मेरी इकलौती बेटी को जरा भी तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मालो दौलत के बगैर खुश नहीं रहा जा सकता। इन सब बातों को सोचकर मैंने सत्तार भाई से तुम्हारी शादी का फैसला किया है। सत्तार बड़ा है तो क्या हुआ, उसकी पहले से कोई बीवी नहीं है, वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारे नाज उठाएगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरा भरम रखोगी, खामोशी के साथ सब कुछ मान जाओगी। बजाते हो, कहां से आए हो? ये बताना जरूरी है। तुम्हारे सुर बहुत खूबसूरत है, मुझे पता ही नहीं चला मैं किस तरह खिंची चली आई। अच्छा लगा तुम्हें हवेली में देखकर। तो ये आप लोगों की हवेली है? बाबा ने बुलाया तुम्हें? हाँ, मेहमानों के सामने सरोज बजाने के लिए। मेरे लिए सरोज कब बजाओगी? तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारे इन सुरों ने सब कुछ समझा दिया। खुद को धोखा देना अच्छी बात नहीं है मिरल, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। साजन, मुझे आजमाइश में मत डालो, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। मैंने दुखों में रहने का फैसला कर लिया है। तुम पागल हो गई हो, तुम जानती नहीं तुम क्या कर रही हो। मुझे नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं मिरल, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझे वापसी का रास्ता भी मत दिखाओ। साजन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम नहीं चल सकती मेरे साथ। क्यों नहीं जा सकती? इस बात का जवाब तुम आगुल से पूछो। आप मिरल को कब से जानती हैं? यही आते जाते देखा होगा, लेकिन उसकी बातों से तो लगता है जैसे वो आपको बहुत पहले से जानता है। पागल है वो। आप उसे ऐसा मत कहें, वो तो सबसे अच्छा है।
आगे एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना वरना। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। क्या? मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं पहुंचा सकी मैं तुम्हारे दिल की बात उन तक। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसने आपकी जुबान पर मोहर लगा दी? इस हवेली की रवायात और रस्म के मुताबिक औरतों के रिश्ते मर्द तय करते हैं, हमारी मर्जी रवायात के खिलाफ है और तुम्हारे बाबा रवायात का भरम रख रहे हैं। अपने लिए इस बुढ़ापे में शादी कर ले, कोई भी गलत फैसला कर ले उन्हें इख्तियार है। हमारी कोई ख्वाहिश हो तो इज्जत और खैरत की बात आ जाती है। जा रहा हूं, काम छोड़ दिया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों? तुम नहीं जानते साजन, तुम मेरा ख्याल दिल से निकाल दो, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम इतने जालिम और सख्त दिल नहीं हो सकते मेरे। तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते साजन। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सच्चाई और मासूमियत रखती हो, लेकिन मेरी मजबूरी है। आखिर क्यों मीरल, आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं माकुल को चाहता हूँ और उसी के लिए आज बस्ती में। देखो तुम्हारी शादी का सामान मैं अपनी बेटी के लिए क्या लाया हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं, नहीं करनी मुझे कोई शादी, सुन लिया आपने? साजन, साजन, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
मैं सारा बंदोबस्त करके आती हूँ। आमिर को समझा दिया मैंने, संभाल लेगा वो सब कुछ। इबारत है रूह की हवे।